ये पेटिशन हमने फॉर्म डाला, अप्लाई किया, तो ये जब गलत थी तो उनके अधिकारी ये सिग्नेचर करके एक्सेप्ट क्यों किए? हमारा सवाल यहाँ बनता है कि वो एक्सेप्ट क्यों किए? अगर ये फॉर्म गलत थी तो उसी समय रिजेक्ट कर देना चाहिए था। आधा घंटे पहले हमसे डिटेल पूछते हैं कि कैसे कितने बंदे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सीबीआई वाले का फोन था और जस्ट आधे घंटे बाद हमको रिजेक्शन स्लिप को व्हाट्सएप कर दिया जा रहा है। परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन दो। इसको लेकर लगातार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थी लगातार कई मुख्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी नेता के पास जा रहे हैं तो कभी किसी नेता के पास, ताकि इन्हें परमिशन मिल जाए ताकि अनिश्चितकालीन ये धरना जंतर मंतर पर दे सके, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से हैं, जैसा कि लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको बता रहा है, और अलग अलग राज्यों से यहाँ रह रहे हैं। ना तो इनके पास रहने का ठिकाना है, ना खाने की कोई उम्मीद नजर आती है। गुरुद्वारे में खा लेते हैं तो कभी भूखे पेट सो जाते हैं, सड़कों पर बैठते हैं तो पुलिस उठा देती है, पार्क में बैठते हैं तो पुलिस भगा देती है, कोरोना का हवाला दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिरकार 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या सिचुएशन है, क्या इनकी अब आगे की प्लानिंग है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, जब सदन में मुद्दा उठाया गया है उसके बाद इस मुद्दे को क्यों दरकिनार कर दिया गया है, बताइए। नमस्कार मैम, मैं सोनू बिहार से। हम परमिशन थक गया, परमिशन लेते हर दिन परमिशन अप्लाई करता हूँ, हर दिन रिजेक्शन हो जाती है। उनके अधिकारी हम जब रिसिप्ट कॉपी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा करो, ये डेट को परमिशन नहीं मिल सकती, आप अगली डेट को दो। मैं उनका बात मान लेता, अगली डेट देते हैं। अगली डेट की जब परमिशन की बात आती है, हम रिसिप्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो गई। हम उनसे सवाल करते हैं कि सर ये कैंसिल क्यों हो गई, तो वो कहते हैं कि आपने ये डेट छोड़ के ये डेट क्यों डाला। अब बताओ मैम, उनके अधिकारी कहते हैं क्या 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 यही वो परमिशन लेटर है जिसकी बात आप कर रहे हैं? ये परमिशन लेटर मैम ये आज की है जो आया, मैं मेरे पास एक कॉपी है, हमारे कॉपी फ़ोन में है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वो कॉपी क्यों कैंसिल किया गया है। क्या वजह, क्या बताइए? वजह बताया कि आपने ये एडिट क्यों किया, कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये 2 और 3 तारीख की, हमने 1 तारीख को डाला था, ये 2-3 को करके कैंसिल कर दिया गया, ये बोल के कि ये क्यों हुआ है। मैम हम बताना चाहते हैं कि ये जब हमारी ये गलत थी, ये पेटिशन हमने फॉर्म डाला, अप्लाई किया, तो ये जब गलत थी तो उनके अधिकारी ये सिग्नेचर करके एक्सेप्ट क्यों किए? हमारा सवाल यहाँ बनता है कि वो एक्सेप्ट क्यों किए? अगर ये फॉर्म गलत थी तो उसी समय रिजेक्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो सुना आपने, आप देख रहे हैं लगातार ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो लगातार ये परमिशन की मांग कर रहे हैं, इस पर जो सिग्नेचर है वो तो अधिकारी कर देते हैं, लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने इसमें एडिट किया हुआ है। अगर एडिट किया है तो आखिरकार ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं, सवाल यही है। देखिए, अभी कोरोना चरम पर है, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से सख्ताई दिखा रही है, इन्हें बैठने नहीं दे रही है। ये सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हम 4-5 जने इकट्ठे होकर जंतर मंतर पर कंटिन्यू धरना देना चाहते हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँच जाए, लेकिन उस चीज़ की भी परमिशन इन्हें नहीं दी जा रही है। देखिए, लगातार सरकार ये कह रही है कि आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते, दिल्ली पुलिस कहती है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आप कहाँ कहाँ बैठे और कहाँ कहाँ से आपको हटाया गया है? मतलब हम तो पहले आए थे, जब शुरुआती दिनों में, तो हम जंतर मंतर पर परमिशन लेकर लीगल रूप से बैठना चाहते थे, तो स्टार्टिंग में 2-3 दिनों के लिए तो मिला, पर अब पता नहीं क्या हो गया, अब जब भी हम जाते हैं जमा करने परमिशन के लिए तो कुछ ना कुछ नियम बताकर कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे कभी सुप्रीम कोर्ट का नियम बताकर, कभी भाई ने बताया कि एडिटिंग का नियम बताकर, तो ऐसे ऐसे तरह से कैंसिल कर देते हैं। फिर से हमने अप्लाई किया है, अब देखते हैं, अगर ये नहीं होता है तो फिर हम अपने इलीगल तरीके से ही जाएंगे, अगर मानते हैं लीगल तरीके से परेशान हो जाएंगे तो इलीगल तरीके से जाएंगे। किसी तरह हमको अपना हक रखना है कि हम मतलब कि हम प्रदर्शन करने आए हैं, अपना हक रखना है, चाहे तरीका कोई भी हो, चाहे जोर जबरदस्ती से जंतर मंतर पर बैठना पड़े, क्योंकि परमिशन, देखिए ये जो अभ्यर्थी है ना, पढ़े लिखे हैं, सभी सभ्य परिवार से आते हैं, इन्हें पता है कि लीगल तरीके से क्या करना है, इलीगल तरीके से क्या करना है। ये लीगल तरीके से जंतर मंतर पर बैठना चाहते हैं लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही है। अब देखिए कि ये कितनी विडंबना है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लगातार दंगे कर रहे हैं, उनके वो दंगे करके चले जाते हैं, फिर बाद में आप गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं ये
आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इन्हें परमिशन दे दीजिए बैठने की, ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल्स की अगर आप हवाला देते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पूरा पालन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें जगह नहीं दी जा रही है। देखिए हवाला लगातार मैं सुन रही हूँ कि कोरोना का हवाला है तो तमाम चीज़ों का हवाला है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है। जंतर मंतर पर जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि और भी धरने वहाँ पर चल रहे हैं, आखिर आपसे क्या दुश्मनी है सरकार की? मैम उनको क्या दुश्मनी है, तो उनसे सवाल पूछ पूछ कर कर हम लोग थक चुके हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में भी आज जो मेरा परमिशन कैंसिल हुआ था कल, उसके उसका रिसीविंग ले जाने के दरमियान मैंने उनसे पूछा कि आपने 1 तारीख को प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी वाले को क्यों दिए, जब उनके लिए कोरोना नहीं है तो मेरे लिए कोरोना क्यों आ जाएगा? तो मैम इनका कुछ फंडा समझ में ही नहीं आ रहा है और मुझे क्यों परेशान करना चाह रहे हैं ये तो पता नहीं। और जहाँ तक मैं रूल की बात बता दूँ मैम, जिस फोर्सेस में हम लोग जाने के लिए योग्य हैं उस फोर्स में रूल बहुत मायने रखता है और उसी के लिए हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो अनलीगल हो, जो सरकार के खिलाफ हो और हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठे। लेकिन अब तो आप ये कह रहे हैं कि आप इलीगल तरीके से वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, देखिए आपको 2 घंटे वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है लीगल तरीके से, क्या आपको वहाँ बैठने दिया जाएगा? फिर तो आप जो है ना वो नेगेटिव दिखाई देंगे सरकार को। तो मैम ये सरकार को निगेटिव आप वो मुझे सुन नहीं रहे, जब तक हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना मानने के लिए तैयार है, तो क्या हम तो फिर कोई ना कोई तो कदम उठाएंगे। मैम जब हम 3 साल अपने हक के लिए अपने ये जो जॉब में जाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हम अपने हक के लिए अब लास्ट पोजीशन के लिए हम लोग लड़ नहीं सकते? तो ये मायने नहीं रखता है कि हम अगर जो ये मुझे नहीं देंगे तो अनलीगल हो या लीगल हो उसके लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम होने से मुझे बहुत नुकसान है, आप भी समझ रहे हो मैम, और ये सरकार तो पता नहीं क्या क्यों नहीं समझ रही है। सरकार को जब ये सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं है, अगर जो पता नहीं रहता तब मैंने ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिसका दरवाज़ा नहीं खटखटाया हो, आप भी जान रहे हो मैम, आप फर्स्ट डे से हमें कवर कर रहे हो तो आपको हर एक रिपोर्ट के बारे में मालूम है। हाथ में क्या ले रखा है, क्या है ये? ये जो कल मैंने 2 दिन के लिए डाला था उसी का रिजेक्शन स्लिप है। अगर आधा घंटे पहले CBI वाले को फ़ोन आते हैं कि आप कितने बच्चे हो वो डिटेल्स भेजो, कितना टाइम है वो डिटेल्स भेजो, और आधे घंटे के बाद मुझे ये व्हाट्सअप मैसेज आता है कि आपका रिजेक्शन हो गया। मैंने वही लेटर बोला कि ठीक है आप रिजेक्शन कर दियो तो मुझे आप हैंड टू हैंड दो। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर देखिए मैं देख रही हूँ कि जब आप रोड पर खड़े भी हो जाते हैं तो आपको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, आप पार्क में आकर बैठते हैं क्योंकि आपके पास कोई ठिकाना नहीं है। देखिए आप से सोच सकते हैं कि ये जो कॉपी है ये भी फ्री में नहीं आई होगी, ये भी इन्हें फोटोकॉपी वहाँ पर शॉप पर जाना पड़ा होगा, इसकी फोटोकॉपी करानी पड़ी होगी, निकलवानी होगी, और इसकी तमाम कॉपियाँ इन्हें निकलवानी पड़ती है क्योंकि इन्हें तमाम जगह पर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होते हैं। ये दूसरी जगह से हैं, यहाँ इनका रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, अपने पैसे पर यहाँ रह रहे हैं, अपने दम पर रह रहे हैं, खाना खरीद के खाते हैं, पानी खरीद कर पीते हैं। अब सोचिए इतने अमीर अंबानी या अडानी के घर से ये नहीं आते हैं, ये किसान परिवार से हैं, इनके घरों में जो माँ बाप हैं बड़ी मेहनत से इन्हें यहाँ तक ये मुकाम दिखाया था, ये सपना देखा था इन्होंने कि अगर हम कुछ पैसे खर्च करेंगे मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर जब हम सेना में भर्ती होंगे तो हमें गर्व होगा, हमारे परिवार को गर्व होगा, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, हमारी जो नई पीढ़ी है उसे मोटिवेशन मिलेगा, देश के लिए देश की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो इन्हें घुमा रही है, उलझा रही है, अधिकारी उलझा रहे हैं, कभी इस डेट को कभी उस डेट को, ये तमाम चीज़ें जो है वो निकलती हुई सामने आ रही है और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार ये चीज़ आप तक पहुंचा रहा है ताकि ये आवाज़ इनकी ऊपर तक जाए, ऊपर तक जाएगी तभी सुनाई देगी, क्योंकि अभी तो सुनकर भी अनसुना कर दिया जा रहा है। आप बताइए कि इतने दिन हो गए हैं लगातार आप ये कह रहे हैं कि कभी आप आज परमिशन मिल गई है तो कभी 2 दिन की परमिशन दे रहे हैं, आप तो परमिशन ही कैंसिल कर दिया, आगे क्या? कितनी बार हम लोगों ने परमिशन की कोशिश की है, बहुत बार परमिशन दिए, पहले परमिशन मिला शुरू में, मैं मानता हूँ कि परमिशन शुरू में मिला, मैं ये नहीं कहूँगा कि परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिला, मैंने धरना किया, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब दिल्ली पुलिस ऐसे कर रही है, क्या चाल चल रही है, क्या सोच रही है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं,
कि अब हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया जा रहा है। आधा घंटे पहले हमसे डिटेल पूछते हैं कि कैसे कितने बंदे हैं, क्या करना है, कैसे करना, सीबीआई वाले का फोन आता है और जस्ट आधे घंटे बाद हमको रिजेक्शन स्लिप को व्हाट्सएप कर दिया जा रहा है। पता नहीं अब क्या मुद्दा है, क्या चीज़ सोच रहे हैं वो। हम लोग कुछ सरकारी नुकसान तो नहीं ना कर रहे हैं। मैं ये सरकार से, ये दिल्ली पुलिस से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कोई आपका सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, न हम लोग किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, धरना करें। हम लोग बस अपनी मांग और न्याय रखने के लिए बस हम लोग जंतर मंतर बैठ रहे हैं ताकि हमारी बात सुने। हम भी देश के ही बच्चे हैं, अपना हक ले रहे हैं, कोई गलत चीज़ तो हम नहीं कर रहे हैं। गलत चीज़ अगर करते, गलत चीज़ दिल्ली से उतना दूर बिहार स्टेट, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहाँ तहाँ हर एक स्टेट से बंदे आए, बिना मतलब के क्यों दिल्ली में आके यहाँ पर धरना देंगे। बिल्कुल, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, इतना दूर आए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो 2000 किलोमीटर दूरी से आए हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ना तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे, ना ही किसी और को नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन इन्हें परमिशन चाहिए ताकि शांतिपूर्वक वहाँ बैठें और अपना जो आवाज़ है उसे बुलंद करें, ताकि आवाज़ जो है उन हुक्मरानों तक पहुँचे जो अभी मौन है और शायद उनके कान भी बंद हैं, इसलिए आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, संख्या आप लोगों का मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। मनोबल इसलिए टूटेगा क्योंकि 2 महीने हो गए हैं सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। संसद में मुद्दा उठा उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई है। क्या लग रहा है, अगर जंतर मंतर पर परमिशन मिल भी जाती है, सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी? जहां तक हम लोग कहा, हम जंतर परमिशन मिल जाएगी तो वहां पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी आवाज पहले वहां वीर मंत्र तक पहुंचे। और नहीं पूछे, मैंने सरकार जो सुनकर भी अनसुनी कर रही है उसको सुनना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ तक है सरकार, सरकार को बनाया ना हम ही लोग बनाया है, जैसे होता है घर, अगर हम अपने जमीन में अपने घर बनाए तो गिराने का सामान हम ही को मिलता है, क्योंकि हम बनाते हैं तो खुद भी गिरा भी सकते हैं। ये सरकार से अपील करते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अभी देखिए चुनाव में सरकार जो है पूरी तरह से बिजी है, हर कोई जानता है, बंगाल चुनाव, केरल चुनाव, असम चुनाव, तमाम जगहों पर जो है चुनाव जारी है। अगर सरकार ये बोलती है आपसे बात करके कि हम अभी चुनाव में बिजी हैं, हम आपसे 5 महीने बाद या 6 महीने बाद बात करेंगे, तो क्या 5 महीने या 6 महीने आपका इतना मनोबल है कि आप रुकेंगे यहाँ पर? देखिए, जब चुनाव होता है तो सरकार हमारे घर, जो भी है इलेक्शन के लिए वोट लेने के लिए हमारे घर आती है, उस टाइम ही तो हम कह सकते हैं कि नहीं अभी हम काम में बिजी हैं, हम आपसे भी नहीं मिल सकते हैं। हमारे गाँव में आते हैं उसे यहाँ पर मिलता है जो काम करने परमिशन चाहिए, हम भी वो पूछेंगे कि आप किससे परमिशन लेकर हमारे गाँव में आए हैं और किस लिए आए हैं, किस मुद्दा के लिए आए हैं। आप तो बोलते हैं कि हाँ हमको वोट दो, मैंने जिताओ हमको, हम आपको रोजगार देंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ वो वोट इलेक्शन लेने जीतने के लिए वो बोला था कि आप हमको वोट दो, हम जिताएंगे आपको, आपको जो भी हो हम आपको नौकरी देंगे या जो भी हो, लेकिन वो सब देते नहीं हैं, सिर्फ उलझाने के लिए कि हमारे ऊपर जो फैन हमसे साथ जुड़े और हमको जिताए। चलिए देखिए, ये तो बात सरकार की है, सरकार की नुमाइंदों की है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे तबके की। सरकार गांव के जो प्रधान हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, क्या उन तक भी आप लोगों का मुद्दा गया है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है आप लोगों की आवाज़ उठाने की? देखिए, हमारे जहां तक हम, मेरे संपर्क में जितना सांसद हैं हमारे, हम झारखंड से हैं, जहां जहां सांसद हैं हम सबके पास गए, सबके दरवाजा खटा, सबके पास मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग उन लोग तरफ से रिप्लाई कुछ भी नहीं मिला। तो अगर वो आपकी आवाज़ बनते हैं तो हो सकता है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे, क्योंकि अगर इकट्ठा होकर आप लोग अलग अलग राज्यों से हैं, आप लोग इकट्ठा होंगे, आप लोगों के इलाके के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, इकट्ठा होंगे, जब एक मजबूत जो आवाज़ है वो बनेगी तो सरकार सुनेगी ज़रूर। हाँ, ये तो है। देखिए, कोई भी काम होता है एकजुट से ही काम होता है। अगर हम लोग जितना सांसद, अगर अलग अलग स्टेट से हम लोग सब आए हैं, अभी सभी सांसद मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग काम हो सकता है। लेकिन जितनी भी सांसद है सब बीजेपी का है, जो कि हम जो बीजेपी से मांग कर रहे हैं, जो सरकार उसी का है, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए इनकी आंखों को ज़रा गौर से देखिएगा, देखिए जो इन्होंने सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं धुंधले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंखों में आंसू है और आंखों में जो सूनापन है वो नजर आ रहा है। आंसू इसलिए हैं क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं और आप लोगों के ही बच्चे हैं, देखिए सरकार के बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही देश बना हुआ है, ये आगे चल के देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल करेंगे, सेना में मजबूती दिलाएंगे, ताकि दुश्मन अगर हमारे ऊपर नजर डालता है तो हम उस पर
आवाज उठा सके, उन पर प्रहार कर सके, इस वजह से ये लगातार जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इनकी आंखें आज नम हैं क्योंकि सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ये चाहता है कि सरकार इनकी सुनवाई करे क्योंकि जरूरी है देश के भविष्य के लिए, देश की रक्षा के लिए, इनके परिवारों के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर ये सेना में भर्ती होंगे तो देश से दुश्मनों की रक्षा करेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ मैं काजोल नारायण, आप बने रहिए लगातार, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।